130 रन देखने को मिलेंगे। और यह सामने सर नाम बोलते चलो नाम क्या है बोलना नाम साहिल का डिनर किया पीछे दूसरा दूसरी टीम क्या करते हैं आपको सवाल कौन देगा चलो दूसरी बॉल का है काफी खूबसूरत काफी अच्छा और एक खूबसूरत शॉट और ये मीडिया मैच से कैच फूटा हुआ काफी अच्छी शॉट वाइड बॉल वाइड बॉल बढ़िया फिर से पकड़ कर रहे काफी अच्छी शॉट और ये विजुअली के द्वारा अगली गेंद और ये मिस फील्ड काफी अनुभवी अंपायर लगे हुए हैं आज बरवाल के रजत जी और विशु जी और ये शॉट भी काफी अच्छा है कालू के द्वारा कालवानी की हिम्मत से खेली अगली गेंद बॉल नहीं दिखी कालू ने
और 6 रन। आते ही बॉलर को छक्के की साथ शुरुआत किया बॉलर के लिए। और ये वाइड और ये 6 रन, काफी लंबा शॉट, डबल चुम्मी शॉट। और ये फुल टॉस को अच्छी नहीं बना पाए, ये काफी बड़ी विकेट गवा दिया ऋषु की टीम ने। आज जो ये टूर्नामेंट है, ये कुलवंत सिंह और कोडा जो कि एक होनहार एक क्रिकेटर थे, उनकी ही याद में वो काफ़ी बरस पहले चल बसे थे एक एक्सीडेंट दुखदायक एक्सीडेंट में, और उसी की याद में ये रंजीत पठानिया हैं, सोशल वर्कर भी हैं, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया हुआ यहाँ पे, और इसी में मुझे इनवाइट किया गया था और अच्छा लगा यहाँ पे आके। और इसमें काफ़ी कितनी टीमें हैं, 40 टीमें हैं, काफ़ी युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और युवाओं के साथ मिलना अच्छा लगता है क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि आजकल के समय में ड्रग्स की प्रॉब्लम काफ़ी जो कि हावी है, खासकर ये जो हमारे कैंडी बेल्ट में भी आगी हुई है, तो उसी में इनसे मिलने का एक आज मौका मिला है, और स्पोर्ट्स के थ्रू ही युवाओं को हम सही रास्ते पे ला सकते हैं, और इनमें एनर्जी है जो कि चैनलाइज करेंगे पॉजिटिव वे में स्पोर्ट्स पे और पढ़ाई में और देश के लिए सेवा कर सकते हैं। कठुआ पुलिस किस तरह से इस टूर्नामेंट में इन खिलाड़ियों का सहयोग करने जा रही है? अभी तो इनसे पता किया है क्योंकि ग्राउंड मैंने देखा है, ग्राउंड की हालत जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए खेलने लायक भी, तो ये क्योंकि चाइनीज बॉल का टूर्नामेंट है और कठुआ पुलिस जो है वो जब बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कठुआ जो कि नॉर्थ जोन का एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट वो भी जेएनके पुलिस ऑर्गेनाइज करती है, तो इस पर भी हम देखेंगे अभी क्या क्या इन चीज़ों की ज़रूरत है, खेलने के जैसे बैट बॉल वो हो गए, पानी की व्यवस्था भी हम करेंगे, अभी बोल दिया हमने इनको मंडे को वो भी आ जाएगी, और बाकी देख लेते हैं और किन किन जो भी ग्राउंड्स के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स के जो मेन मटेरियल बैट बॉल ये देख लेंगे, विकेट्स देख लेंगे और भी देख लेते हैं। युवाओं को क्या संदेश रहेगा? युवाओं का संदेश मेरा यही है कठुआ पुलिस की तरफ से, जेएनके पुलिस की तरफ से, कि आप जो आपकी एनर्जी है, क्योंकि कैंडी बेल्ट है, मैं भी कैंडी बेल्ट से हूँ, और नेचुरली जो जिस इलाके का होता है उसको उस इलाके से लगाव रहता है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के युवा भी, क्योंकि कैंडी बेल्ट के जो हमारे इलाके में हैं जैसे सारे बेल्ट फोर्सेस की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और फिजिकली वो स्ट्रांग होते हैं, तो आप देखिए किन किन आप चाहे जो आपके जॉब्स हैं वो चाहे फोर्सेस की तरफ हैं, चाहे आपका झुकाव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, चाहे हायर स्टडीज है, वह पढ़ाई कीजिए, और कठुआ में तो एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें पुलिस अपना योगदान कर दिया वो कीजिए, और जो भी इनको इसके रिलेटेड ज़रूरत है पुलिस की तो मैं आज मिलके इनसे देख लेते हैं, और यही मैं चाहूँगा कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें और पॉजिटिव चीज़ों में ध्यान दें, और कम से कम नाम बनाएं अपना, तो तभी हो सकता है जब मेहनत करेंगे। थर्ड टूर्नामेंट कुलवंत सिंह जसोटिया के नाम से, जिनको कि कोडा भैया कहते थे हम लोग, बरवाल में करवाई जा रही है, जिसमें 40 से लेकर 46 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, और आज कठुआ के वर्दी ऑनरेबल SSP श्री शिवदीप सिंह जम्बाल जी को हमने इनवाइट किया था, और इस तपती गर्मी में 2 बजे दोपहर को मिड आफ्टरनून में वो हमारे पास आए हैं, कोई आए या ना आए वो आए, तो कहने का मतलब कि मैसेज तो बहुत लोगों को डिलीवर हुआ था। हमारे गांव के जंडोर पंचायत के सरपंच श्री मलविंदर सिंह जी मास्टर जी वो भी हमारे साथ हैं, तो हम भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और स्पेशली एक मैसेज ये जाता है कि गांव के इंटेलेक्चुअल्स को मैसेज ये जाता है कि जब भी कोई चीफ गेस्ट या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट बाहर से आए तो कम से कम उनकी इमदादगिरी के लिए कम से कम उनका यहाँ पे होना लाजमी होता है। ये मैं सोचता हूँ कि ये समझ से आता है, ये सूझबूझ से आता है, ये उम्र से नहीं आता ये तकाजा। तो लड़कों का मनोबल बढ़ाना है, बरवाल एथलीट क्लब हमेशा से नशे के खिलाफ है, नशे के खिलाफ चलता है, युवाओं के लिए दिन रात प्रेरणा सेट करता है, करता रहेगा, चाहे कोई इसका इसको किसी भी एंगल से ले,
बट हमको किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ना ही राजनीति से कुछ लेना देना है, ना ही किसी ग्रुपिज्म से कुछ लेना देना है। हमको काम करना है युवाओं के लिए और युवाओं को एक दिशा देके, जैसे कि वर्दी एसएसपी साहब ने कहा है कि पॉजिटिव साइड में उनको चैनलाइज करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के उन लोगों का जो इस समाज से लेके आज तक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं कि इस समाज को कोई दिशा दे सके, जो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस दिशा की ओर अपना कदम उठाएं, स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को एंगेज करें ताकि फालतू की चीजें चाहे कोई भी हो, एक्सेप्ट देन स्टडीज और स्पोर्ट्स और माँ बाप की इज्जत, अपने गांव के लोगों की इज्जत, इसके अलावा और कोई भी चीजें हैं वो उनके दिमाग में ना आए। तो मैं फिर से पठानिया साहब, किस तरह से देखते हैं आप युवाओं में हौसला कि लगातार आप कबड्डी टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं? देखिए कंडी बेल्ट इस एरिया में, क्योंकि अपने को कठुआ से भी अप्रोचेस की जाती हैं, चाहे वो पिछले दिनों उत्तरी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो जगलोट में क्रिकेट की टूर्नामेंट की शुरुआत हो जिसकी शुरुआत वर्दी डीसी साहब ने करवाई थी, तो आज अपने गांव की बारी थी, तो ये जाहिर सी बात है कि अपना पुलिस के साथ पुराना नाता है। हम कठुआ हाफ मैराथन करवाते हैं, हम स्टेडियम में शिरकत करते हैं, हम कबड्डी में शिरकत करते हैं, तो आज ये मन था कि जम्वाल साहब को बुलाया जाए और वाकई वो हमारी कॉल पे आए हैं। और युवाओं को जो दिशा, मैं फिर से वही कहूंगा कि युवाओं को दिशा देने की जरूरत है, अगर आप युवाओं को दिशा दे सकते हो तो आप अपने समाज को कहीं ना कहीं हर लिहाज से बचा लोगे। जय हिंद।